स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर कर्नाटका स्टेट के अंदर स्कूलों में जो हिजाब का मामला उठा वह अब काफी तोल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया में बैठे सिकुलर लोग इसी टाइप के टॉपिक्स का इंतजार करते रहते हैं और जैसे ही कोई मामला आता है उसमें कूद कर आग में घी डालने का काम करते हैं। लेकिन फिर से यह मामला और आगे बढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि इस पे एक ट्वीट किया है मलाला यूसुफ जई ने। जी हां, वही पाकिस्तानी लड़की जिसको तालिबान ने हिजाब न पहनने और स्कूल जाने पे गोली मार दी थी। और हैरत की बात तो यह है कि वही मलाला यूसुफ जई भारत के स्कूलों के अंदर हिजाब पहनने के लिए बच्चियों को उकसा रही है और कह रही है कि इंडिया की सरकार ये ठीक नहीं कर रही है कि बच्चियों को हिजाब पहनने पे पाबंदी लगाई जा रही है कर्नाटका के स्कूलों में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मलाला ने जो ट्वीट किया है, कॉलेज इज फोर्सिंग अस टू चूज बिटवीन स्टडी एंड हिजाब, रिफ्यूजिंग टू लेट गर्ल्स गो टू स्कूल इन देयर हिजाब इज हॉरिफाइंग, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन प्रीसिस्ट्स, इंडियन लीडर्स मस्ट स्टॉप द मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन। लेकिन इसके ऊपर भारतीयों ने जो जवाब दिया है उसने मलाला को हिला दिया है और एक रिप्लाई ट्वीट आप देख सकते हैं सामने, मिस्टर सिन्हा नाम से किसी बंदे ने रिप्लाई किया है, दिस गर्ल शुड बी डिक्लेयर्ड एज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रॉड हिपोक्रेसी, इन अफगानिस्तान तालिबान बैंड गर्ल्स फ्रॉम गोइंग स्कूल, सी डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट देम बट स्टार्टेड आउट प्रेजिंग एज सून एज इंडियन स्कूल आस्क्ड देयर स्टूडेंट्स टू वेयर स्कूल यूनिफॉर्म इंस्टेड। यानी मलाला ने तब कुछ नहीं बोला जब तालिबान ने लड़कियों को स्कूल जाने पे पाबंदी लगा दी, लेकिन यहाँ इंडिया में किसी को स्कूल जाने से रोका तो नहीं जा रहा है, सिर्फ यह कहा जा रहा है कि स्कूल में जाए तो यूनिफॉर्म जो स्कूल का है वही पहन के आप जा सकते हैं, कोई और एक्स्ट्रा कपड़े या आपकी कोई अलग से रिलीजियस आइडेंटिटी बनती है किसी कपड़े से तो आप उसको पहन के नहीं जा सकते हैं। आप स्कूल आइए, आप सिंपल यूनिफॉर्म में आ सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर मलाला ने ट्वीट करके यह कहा कि भारत में मुस्लिम बच्चियों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है। खैर, जो मलाला है इसकी बातों को कोई भी सीरियस अब नहीं लेता, कम से कम इंडिया में, क्योंकि मलाला कई बार खुद ऐसी ट्वीट कर चुकी है जो अपनी ही बातों को झूठा साबित करती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे उसका एक ट्वीट देख सकते हैं जिसमें उसने अपनी शादी से जस्ट 2-4 महीने पहले एक ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि दो लोगों को साथ रहने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके फौरन 2-4 महीने बाद मलाला ने खुद शादी कर ली, जो कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में कि इंडिया के अंदर जो सेक्युलर लोग हैं वो इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कब कोई इनको इस टाइप का टॉपिक मिले और उसपे इंडिया को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा किया जा सकता है। हद तो तब हो जाती है जब कांग्रेस पार्टी के जो मेन टॉप लोग हैं वो इस टाइप की ट्वीट करते हैं, जो स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रियंका गांधी ने क्या लिखा है और लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। वेदर इट इज अ बिकनी, अ घूंघट, अ पेयर ऑफ जींस और अ हिजाब, इट इज अ वीमेंस राइट टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू वेयर। और ये उसने जो बात की है इस हिजाब के संबंध में कही है। आप ये सोच सकते हैं कि हिजाब और बिकनी का क्या रिलेशन है। दूसरी बात कि वीमेंस का राइट है कि कुछ भी पहने, ये सभी लोग मानते हैं, चाहे वो बिकनी पहने या घूंघट पहने, लेकिन क्या फिर कोई अगर स्कूल में ही बिकनी पहन के जाने की सोचेगा तो आप उसे बिकनी पहन के स्कूल में जाने दोगे। ये प्रियंका गांधी का ट्वीट है, आप समझ सकते हैं कि क्या सोच चल रही है इनके दिमाग में। लेकिन इसी के ऊपर एक जो रिप्लाई दिया किसी अमित ने वो काफी मजेदार है, आप इसे देख सकते हैं। यार तुम पप्पू पिंकी ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को गर्त में डालने का, भारत में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां बिकनी पहन के बच्चे स्कूल जाते हों। हाँ, अगर आपके बच्चे अगर इटली में पढ़े हो तो बिकनी में तो ये अलग बात है। वैसे देखा जाए दोस्तों यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है हिजाब वाला, ये सिंपली आसानी से सॉल्व हो सकता था, इसके ऊपर कोई मुद्दा उठना नहीं चाहिए था क्योंकि वो स्कूल का मामला है, स्कूल की अथॉरिटी जाने कि वो किस टाइप की यूनिफॉर्म अपने स्कूल में अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन सेक्युलर लोगों ने इस मामले को उछाल उछाल के बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।